Hello students, welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. Myself Mishra sir, इसके पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आशा करते हैं कि उसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे जो है इसमें ग्लोसरी एंड नोट्स है जिसके बारे में आपको लिखा दिया गया है, ये जितना बोल्ड अक्षर में सब दिया गया है ये सब इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखा है, जिसका हिंदी हम आपको क्लास में लिखाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, देख नहीं लीजिएगा याद कर लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत फायदा होने वाला है आपको। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसका समरी और एक्सप्लेनेशन, ये जो है इसको भी लिखा दिया गया है आपको क्लास में। जहाँ तक इसके ग्रामर का सवाल है आप पेज नंबर 12 खोलिए, 12, ठीक है ना। कहता है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। द रियल डिग्निटी ऑफ मैन लाइज नॉट इन व्हाट ही हैज बट इन व्हाट ही इज, ठीक है। और दूसरा है द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इसको मनुष्य की सच्ची, द रियल डिग्निटी ऑफ मैन लाइज नॉट इन व्हाट ही हैज बट इन व्हाट ही इज, यानी मनुष्य की सच्ची गरिमा जो है इसमें नहीं है कि उसके पास क्या है, इसमें है कि वो क्या है, समझ गए ना बात। यानी किसी के पास बहुत कुछ है लेकिन वो आदमी अगर चरित्रवान नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है लेकिन वो आदमी अगर गुणवान है, चरित्रवान है तो उसके पास सब कुछ है। एंड द क्राउन, दूसरा है द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, ठीक है, यानी जीवन की जो गरिमा है वो मनुष्य का चरित्र है, ठीक है। चरित्र है तो समाज में हर जगह उसकी पूछ है, हर जगह उसकी पूजा है, और अगर चरित्र नहीं है उसका ठीक तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। उसके बाद है D1, ठीक है, डिक्शनरी यूज। इसमें क्या है कि स्पेलिंग गलत शब्द दिया हुआ है उसको करेक्ट करना है, जैसे करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जितना शब्द है सब ये ग्लोसरी में है, अगर ग्लोसरी आपको याद हो जाएगा तो ये शब्द आप फटफट इसको बना लीजिएगा, नहीं याद होगा तो ये कहाँ नहीं बनेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे शब्द दिया है डिसवेडेड, तो ये गलत स्पेलिंग है, मिसपेल्ट है ये, DISUADED, ठीक है, गलत है। सही क्या है, अगर याद होगा तब होगा DISS होगा, DISUADED। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, दिया है OCUPATION, सही होगा इसका OCCUPATION। उसके बाद है वोटरीज, VOTRIES, गलत है, सही स्पेलिंग होगा VOTARIES। उसके बाद है इमोरालिटी, स्पेलिंग दिया है IMORALITY, सही स्पेलिंग होगा IMMO, एक ठो एम दिया है ये हो जाएगा MMORALITY। उसके बाद है अनएडल्टरेटेड, गलत है, दिया है UNADULTERETED, सही स्पेलिंग होगा UNADULTERATED, अनएडल्टरेटेड। उसके बाद है मटेरियलिज्म,
दिया है एम ए टी ए आर आई ए एल आई एस एम, सही होगा एम ए टी ई आर आई ए एल आई एस एम। उसके बाद है बिलीव, दिया है बी ई एल ई आई एफ, गलत है, सही होगा बी ई एल आई ई एफ, यानी आई इधर हो जाएगा और ई इस साइड चला जाएगा। उसके बाद है मैडेनिंग, दिया है एम ए डी एन आई एन जी, जब भी सही स्पेलिंग होगा एम ए डबल डी ई एन आई एन जी। उसके बाद है इनग्रेव, ई एन जी आर ई वी, सही स्पेलिंग होगा ई एन जी आर ए वी ई। हारमोनी, दिया है एच ए आर एम ओ एन ई वाई, सही स्पेलिंग होगा एच ए आर एम ओ एन वाई, ठीक है ना। तो ये सब सही स्पेलिंग है जिसको आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है, कहता है कि लुक अप ए डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द वन इन विच इट इज यूज्ड इन द लेसन एंड द अदर विच इज मोर कॉमन, ठीक है। यानी कहता है कि डिक्शनरी देखिए और ये जो शब्द दिए गए हैं इसके माने जो शब्द दिए गए हैं इसके जैसा दो ठो और शब्द खोजिए जिसमें से एक ठो चैप्टर में यूज हुआ हो और दूसरा उसके समान मतलब कॉमन शब्द हो। जैसे रीजन, आर ई ए एस ओ एन, रीजन, ठीक है, रीजन माने कारण, ठीक है। तो इसके समानांतर दूसरा शब्द होगा, एक हो जाएगा कॉज, सी ए यू एस ई, कॉज, और दूसरा हो जाएगा लॉजिकली, एल ओ जी आई सी ए डबल एल वाई, दोनों का मतलब हुआ, सबका एक ही मतलब होता है, कारण, तर्क, ठीक है ना। दूसरा है थिंकिंग, तो इसके समान दूसरा शब्द हो गया एक ओपिनियन, ओ पी आई एन आई ओ एन, ओपिनियन, और दूसरा हो गया कंसीडर, सी ओ एन एस आई डी ई आर, विचारना। उसके बाद है वांट्स, वांट्स समान शब्द हो गया नीड, एन डबल ई डी, और दूसरा हो गया डिजायर, डी ई एस आई आर ई। उसके बाद है रुइन, आर यू आई एन, रुइन माने पतन, विनाश, उसके समान दूसरा शब्द हो जाएगा, एक हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, डी ई एस टी आर यू सी टी आई ओ एन, डिस्ट्रक्शन, और दूसरा हो जाएगा डाउनफॉल, डी ओ डब्ल्यू एन एफ ए डबल एल। उसके बाद है कॉपी, कॉपी माने नकल, किसी चीज को देखकर उसका नकल करना, तो एक हो जाएगा इमिटेशन, आई एम आई टी ए टी आई ओ एन, इमिटेशन, और दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्शन, आर ई पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द लेसन, सेंटेंसेज टेकन फ्रॉम द लेसन, इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, ठीक है, इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन। तो कहता है कि अब यहां देखिए ऑक्यूपेशन जो है वो बोल्ड अक्षर में लिखे हुआ है, ठीक है,
In the above sentence, the word occupation, which is an abstract noun, is derived from the verb occupy. यानी ऊपर के वाक्य में जो शब्द है occupation, वो एक verb occupy से बना है. Now, derive abstract nouns from the verbs given below and use them abstract nouns in sentences of your own. अब कहता है ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं ये सारे शब्द वर्ब हैं, ठीक है, इनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर और तब उनको सेंटेंस में यूज करना है. किस चीज को? उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा उसे आपको सेंटेंस में यूज करना है. तो पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कन्वर्सन, CONVERSION, कन्वर्सन. दूसरा है परफॉर्म, PERFORM, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस. उसके बाद है डिफाइन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा डेफिनेशन, DEFINATION. उसके बाद है प्लीज, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा प्लेजर, PLEASURE. उसके बाद है एडुकेट, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एजुकेशन, EDUCATION. उसके बाद है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन, ठीक है. अब ये जो वर्ब हैं, अब इनसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया. अब आपको सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस बनेगा तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसको उस सेंटेंस में यूज करना है. जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट है, शब्द है कन्वर्ट, जिसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ कन्वर्सन, ठीक है. अब एक सेंटेंस बनाइए जिसमें कन्वर्सन शब्द यूज हुआ हो. तो जैसे हम कह रहे हैं कि ही इज थिंकिंग अबाउट कन्वर्सन टू बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म में कन्वर्सन करने के बारे में वह सोच रहा है, यानी बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में वह सोच रहा है. उसके बाद है परफॉर्म, परफॉर्म का हमने कहा परफॉर्मेंस, ठीक है. तो हम कहते हैं कि योर परफॉर्मेंस इन क्लास 11th वाज वेरी गुड, यानी क्लास, पिछले क्लास में 11th में आपका जो परफॉर्मेंस जो था वो बहुत अच्छा था. उसके बाद है डिफाइन, डिफाइन से होगा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन परिभाषा, ठीक है. हमने कहा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन, गति की परिभाषा क्या है, मोशन गति, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन. उसके बाद है प्लीज का प्लेजर, ठीक है, प्लेजर माने खुशी, आनंद. हमने कहा कि इट इज माई प्लेजर टू हेल्प द पुअर, इट इज माई प्लेजर टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना ये मेरी खुशी है. उसके बाद है एडुकेट का होगा एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा, सी रिसीव्ड हर एजुकेशन एट प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, यानी वह अपनी शिक्षा दीक्षा प्राइवेट स्कूल में हासिल की. उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व से बना है ऑब्जर्वेशन, द पेशेंट इज
अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डॉक्टर, यानी मरीज जो है वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में यानी उसके निरीक्षण में है। ठीक है, तो ये हो गया शब्द से, ये वर्ब सब शब्द हैं, इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर एक सेंटेंस बनाना, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है वो सब इस इन वाक्यों में इस्तेमाल हो गया है। अब चलिए फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ ईच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए, द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। यानी ए और बी यहां दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं किताब में ए और बी दिया गया है। तो कहता है कि ए में ये सब शब्द दिए गए हैं, इसका एक शब्द क्या होगा वो शब्द आपको बी में बना के लिख देना है, और जो शब्द बनेगा उसका लास्ट वाला हिस्सा यहाँ दिया गया है। जैसे someone related who lived long time ago, अपने से कोई संबंधित आदमी जो बहुत पहले रहता था, एक शब्द में क्या कहेंगे, जो शब्द बनेगा उसके अंत में टी ओ आर आएगा, किताब में देख रहे हैं ना, टी ओ आर आएगा। अब शुरू वाला शब्द आपको बताना है कि शुरू वाला शब्द क्या होगा बी में, तो अपने से कोई रिलेटेड आदमी जो बहुत पहले रहता था तो उसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, पूर्वज, हमारे पूर्वज ये थे, तो हमारे पूर्वज वो थे, कहते हैं लोग ना, तो उसी को, तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं एनसेस्टर, यानी ए एन सी ई एस हमने दे दिया और टी ओ आर इसमें है, ये है, तो एनसेस्टर माने होता है पूर्वज। ठीक है, ऑफ वंस होमलैंड, तो ऑफ वंस होमलैंड यानी अपनी मातृभूमि। ठीक है, यानी इंडिजेनस, एन ओ यू एस इसमें दिया हुआ है, हमने जोड़ दिया आई एन डी आई जी ई जोड़ दिए, और एन ओ यू एस इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ब्रिंग ए बर्डन टू, ठीक है, यानी बोझ, तो ए एन सी ई दिया ही है, ये शब्द हो गया इनकम्बरेंस, ग्लोसरी में ये सारा शब्द दिया गया है, तो आप ग्लोसरी में देखिए इनकम्बरेंस शब्द दिया गया है, उसका क्या अर्थ होगा, वही अर्थ होगा बीइंग ए बर्डन टू, इनकम्बरेंस माने, तो ई एन सी यू एम बी ई आर दे दिए, और ए एन सी ई ऑलरेडी इसमें है, ये है। टू स्प्रेड आइडियाज बिलीफ्स एटसेट्रा, जो शब्द बनेगा उसके अंत में ए एन सी ई आएगा, ए एन सी ई आएगा, तो ग्लोसरी में जाइए तो इसका शब्द है प्रोपोगेट, माने प्रचारित करना, किसी चीज को फैलाना, यानी टू स्प्रेड आइडियाज बिलीफ्स एटसेट्रा। स्लो वीटेड, ग्लोसरी में यह शब्द है स्लो वीटेड, एस्टॉलिड शब्द है, उसका अर्थ है स्लो वीटेड यानी मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि उसको एल आई डी है, ये है एस टी ओ जोड़ दिए, शब्द हो गया एस्टॉलिड यानी मंद बुद्धि यानी स्लो वीटेड। एडवाइस अगेंस्ट यानी के विरुद्ध सलाह, ठीक है ना, ए डी ई आएगा, शब्द होता है डिसुएड, ग्लोसरी में ये भी शब्द है डी आई डबल एस यू जोड़ दिए, और ए डी ई आई ये है, तो शब्द हो गया डिसुएड। उसके बाद है एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी ई टी सी, यानी वस्तु का विनिमय करना। ठीक है, तो किताब में सेंटेंस है वी आर इन डेंजर ऑफ बाइटिंग अवे और परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, सेंटेंस उसमें है, अब देखिए कि हम लोग क्षणिक आनंद के पीछे अपनी अस्थाई शांति का विनिमय करने में लगे हुए हैं, वही बार्टर शब्द है, टी ई आर है ये है, बी ए आर जुट गया, टी ई आर है ये है, बार्टर माने होता है वस्तु विनिमय करना, यानी एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी ई टी सी। ठीक है ना, समझ गए ना बात। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स जेरंड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जेरंड क्या होता है, जेरंड याद है ना, जेरंड क्या होता है, द वर्ब एंडिंग इन आई एन जी एंड यूज्ड एज ए नाउन इज कॉल्ड ए जेरंड, यानी वर्ब के अंत में यदि आई एन जी लगा हो और वह वर्ब नाउन का काम करे तो जेरंड कहलाता है।
वर्ब का काम नहीं, नाउन का काम करता है वो। जैसे हमने कहा कि ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है, तो इसमें क्या है, वॉकिंग जो है ये वर्ब है, चूंकि यहाँ टहलने की क्रिया हो रही है, वो आदमी टहल रहा है। लेकिन हम कहेंगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो वाक वर्ब है उसमें आई एन जी लगा है वॉकिंग, लेकिन यहाँ ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। जैसे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है, नाउन है, उसी तरह से, और इज क्रिया का सब्जेक्ट है, उसी तरह से वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग क्या है, नाउन है, इज क्रिया का सब्जेक्ट है, और इसीलिए वॉकिंग यहाँ जेरंड हो गया, समझ गए लोग। तो जेरंड फॉर्म ये दिया गया है, लिविंग, थिंकिंग, राइटिंग, बैटरिंग, मैडेनिंग शब्द है। क्लास में भी आपको बताए हैं कि ये जो भरने वाला जो सब चीज होता है, इसमें अगर किसी में भी अगर आपको माने थोड़ा भी असमंजस है तो उसको छोड़ दीजिए, मत भरिए, जिसको जिसको जानते हैं पहले उसको उसको भर लीजिए, और तब बाकी में सोचिए कि कौन क्या होगा। अनुमान से पहले मत भरिए, नहीं तो इसका नियम है कि ये वो गलती होगा तो दूगो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। जैसे प्रज्ञाज डैश इज नॉट वेरी लीजिबल, लीजिबल माने होता है अस्पष्ट, तो प्रज्ञाज डैश इज नॉट वेरी लीजिबल, प्रज्ञा का क्या चीज अस्पष्ट नहीं है, लिविंग अस्पष्ट नहीं है कि थिंकिंग की राइटिंग की बैटेनिंग की मैडेनिंग, ठीक है, तो उसका राइटिंग अस्पष्ट नहीं है, ठीक है, जो भी लिखती है वो अस्पष्ट नहीं लगता है, यानी प्रज्ञाज राइटिंग इज नॉट वेरी लीजिबल। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द डैश क्राउड, यानी पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकी, कैसे भीड़ को रे भाई, तो लिविंग भीड़ होकर नहीं करेगा, थिंकिंग होकर नहीं करेगा, राइटिंग भीड़ होकर नहीं करेगा, पार्टी मैडेनिंग भीड़ होगा, मैडेनिंग उग्र भीड़, पागल भीड़, जिसको मैड से मैडेनिंग बना है, तो उग्र भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी। वी आर इन डेंजर ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, अभी हमने कहा इधर बार्टर शब्द आया था, तो अभी हमने कहा कि ये किताब का लाइन है, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, यानी क्षणिक आनंद के लिए हम अपनी माने अस्थाई शांति का विनिमय करने में लगे हुए हैं। गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, अब क्या है, अब बच गया दो ठो शब्द, एक लिविंग है एक थिंकिंग, तो गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, अब थिंकिंग तो होगा नहीं चूंकि गांधी जी का सोच तो साधारण था नहीं, गांधी जी तो महान आदमी थे, ठीक है ना, तो इसलिए उनका लिविंग सिंपल था, खाली वो धोती पहन के रहते थे, ठीक है, आए वो लाठ लिए रहते थे, तो गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, ठीक है। एंड अमनदीप्स, तो जो बच गया वो इसका है, अमनदीप्स थिंकिंग वाज क्वाइट लॉजिकल, अमनदीप का सोच जो था वो पूरी तरह से तार्किक था, लॉजिकल माने तार्किक था। उसके बाद है फ्रेजेज, रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेज हैव बीन यूज्ड, देन यूज दीज फ्रेजेज इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। कहता है कि रीड द लेसन केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक लेसन पढ़िए और पता लगाइए कि ये सारे जो फ्रेज हैं ये कहाँ यूज हुए हैं, और फिर इनको अपने सेंटेंस में यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे सेटिस्फाई विथ, बी सूटेड टू, बिलीव इन, क्लिंग टू, इन वेन, ठीक है। तो ये सारे फ्रेज हैं जो सेटिस्फाई विथ मैंने होता है संतुष्ट होना, ठीक है। उसके बाद है बी सूटेड टू, के अनुकूल होना, बिलीव इन में विश्वास करना, क्लिंग टू माने जकड़ना, इन वेन माने होता है बेकार, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया, अब इससे सेंटेंस बनाना है,
तो जैसे हम आपको दिखलाते हैं, सेटिस्फाई विथ, संतुष्ट होना, ठीक है। हमने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस, यानी आपके प्रोग्रेस से मैं संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस, मैं आपके प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं हूं। बी सूटेड टू, हमने कहा के अनुकूल होना, ठीक है। योर ड्रेस मस्ट बी सूटेड टू योर ऑक्यूपेशन, यानी आपके पेशा के अनुसार आपका ड्रेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, भीख मांगता है, तो जूता मोजा कोट टाई कस के भीख मांगेगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी जैसा भेष बनाइएगा वैसा पेशा के अनुसार उसका भेष होना चाहिए, के अनुकूल होना चाहिए। बिलीव इन, में विश्वास करना, हिंदूज बिलीव इन अहिंसा, यानी हिंदू जो हैं वो अहिंसा में विश्वास करते हैं। क्लिंग टू, झकड़ना, ठीक है। चैप्टर में है कि हर एवरी लवर ऑफ इंडिया, यानी भारत के हर प्रेमी के लिए जरूरी है कि वो हमारी अपनी पुरानी संस्कृति को उसी तरह जकड़ कर रहे जैसे छोटा बच्चा माँ का ब्रेस्ट पकड़ कर रहता है। उसी तरह वी मस्ट क्लिंग टू आवर ट्रेडिशंस, यानी हम लोगों को अपनी परंपराओं को जकड़ कर रखना चाहिए, यानी पकड़े रहना चाहिए, यानी परंपराओं को निभाते रहना चाहिए। इन भेन माने होता है बेकार। जैसे हमने कहा कि लेबर नेवर गोज इन भेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। परिश्रम कभी बेकार जाता है? कभी बेकार नहीं जाता, ठीक है। अब चलिए, फ्रेज हो गया। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द लेसन केयरफुली। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेट। अब यहाँ देखिए कि पश्चिमी विज्ञान ने जो माने भौतिक जो विकास जो किया है उसमें पढ़कर हम लोग चौंधिया गए हैं, गांधी जी ने कहा है ना। तो यहाँ क्या है कि डेजल्ड और मेड, ये दोनों शब्द देखिए बोल्ड अक्षर में लिखे हुआ है, डेजल्ड और मेड, ठीक है। कहता है कि इन द अबव सेंटेंस डेजल्ड एंड मेड आर पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द वर्ब्स डेजल एंड मेक रेस्पेक्टिवली। यानी डेजल्ड और मेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है किस चीज का? डेजल और मेक का, ठीक है। तो कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो बाई यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी टाइम एंड टेंस है, वर्ब करेक्ट करना है, जो कि आपको बहुत बार बताया गया है कि यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है, अब इसका सही रूप क्या होगा वहीं आपको यहाँ भर देना है डैश में सही रूप। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश ईट अलाइव टिल नाउ, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में दिया है कीप, तब सही रूप इसका भरना है कि क्या होगा, कीप होगा कि कीप्स होगा कि कैप्ट होगा कि हैज कैप्ट होगा कि हैव कैप्ट होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन हैज, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा भी थ्री का यूज होता है ना, तो इसीलिए यहाँ भी थ्री होगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन हैज कैप्ट, यहाँ लिख दिए हैं कैप्ट, कीप का भी थ्री होता है कैप्ट, द कैप्ट ईट अलाइव टिल नाउ। दूसरा है आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लीव दिया है, ठीक है, इसका होगा लिविंग। ये भी किताब में का ही सेंटेंस है जहाँ गांधी जी कहते हैं कि आप रोम जाइए और फिर लौट के भारत आइए और पुराने रिकॉर्ड पढ़िए और फिर अपने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाइए, तो आई मस्ट बी श्योर दैट यू विल से दैट एंशियंट इंडिया इज स्टिल लिविंग, प्राचीन भारत अभी भी जिंदा है, आप ये जरूर कहेंगे। तीसरा है वी हैव, आई मे थिंग्स लिखा है जबकि मैनी है, एम ए एन वाई होगा, गलती में स्प्रिंट कर दिया है। वी हैव मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बोरो दिया है,
फिर वही बात है कि हमने आपको बताया कि हैव हैज हैड के बाद वी थ्री का यूज होता है, तो इसलिए बोरो का वी थ्री हो जाएगा, बोरोड, वी हैव बोरोड, ठीक है। उसके बाद है वी हैव बीन वेस्ट सिंस लॉन्ग, कॉपी है तो कॉपिंग। आर्या डीड सो, ब्रैकेट में स्पीक दिया है, तो आपको बताया गया है कि डू ग्रुप का वर्ब हमेशा अपने बाद भीवन लेता है, यानी डू डज डीड के बाद जब भी वर्ब आता है वो भीवन ही लगता है, इसलिए है स्पीक सही है, स्पीकर रहेगा, ठीक है। नेहरू हैड डैश सो मैनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल, ब्रैकेट में दिया है राइट, तो फिर यहाँ वही बात है कि हैव हैज हैड के बाद हमेशा भी थ्री लगता है, तो नेहरू हैड रिटन सो मैनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल, यानी रिटन यहाँ होगा, ओके। आगे देखिए, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, ठीक है। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, बस इतना ही दिया है, आगे है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, याद होगा आपको। तो वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मार्क द यूज ऑफ डबल कंपरेटिव इन द अबव सेंटेंस। तो यहाँ क्या है कि मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, यानी मोर और मोर, ये दो ठो कंपरेटिव डिग्री यूज हुआ है इस वाक्य में। तो कहता है कि लुक एट द एग्जाम्पल गिवेन इन द टेबल, अब आगे टेबल में एग्जाम्पल दिया गया है उसको देखने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ दिया है, टेबल बनाया है, द कंपरेटिव एक ठो और द कंपरेटिव दूसरा, तो ये दोनों मिलके एक वो सेंटेंस है, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू अचीव, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हार्डर और बेटर दो ठो सेंटेंस दिए हुआ है, अथी दो ठो कंपरेटिव डिग्री दिए हुआ है, हार्डर और बेटर, द मोर सी अर्न्स द मोर सी वांट्स, फिर यहाँ मोर और मोर दो ठो कंपरेटिव डिग्री दिए हुआ है, नहीं तो कहता है कि फॉर्म 10 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन च्वाइस ऑन दिस पैटर्न, इस पैटर्न पर 10 ठो सेंटेंस बनाइए, तो ये आप खुद मतलब बनाने का प्रयास कीजिए, एक एक ठो सेंटेंस में दो दो ठो कंपरेटिव डिग्री लगा के, समझिए आपका होमवर्क हुआ। वैसे हम आपको बताते हैं एक दो ठो, जैसे हमने कहा कि द हायर वी गो द कूलर वी फील, द हायर और कूलर, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतना ही ठंड महसूस करते हैं, द हायर और कूलर दो ठो कंपरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे देखिए द मोर यू रीड द मोर यू रिमेम्बर, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद करोगे, द फास्टर यू रन द सूनर यू रीच, तो फिर यहाँ फास्टर और सूनर दो ठो कंपरेटिव डिग्री यूज हुआ है, द कॉस्टलियर इज द मोबाइल द फास्टर इज द परफॉर्मेंस, यानी मोबाइल जितना महंगा होगा उतना ही उसका परफॉर्मेंस तेज होगा, फटाफट व्हाट्सअप करेगा और फेसबुक करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपने जोड़ जगर बनाइएगा सेंटेंस और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आगे ही कहता है, अभी कुछ नहीं है, गांधी एंड नेहरू लिव्ड इन द सेम एरा, बोथ ऑफ देम प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया, गांधी और नेहरू एक ही जमाने के आदमी थे, दोनों बहुत सिग्निफिकेंट रोल आधुनिक भारत के निर्माण में अदा किए। आस्क योर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस टीचर और कंसल्ट रेफरेंस बुक्स टू फाइंड आउट देयर व्यूज ऑन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, कहता है मुझसे नहीं पूछने के लिए, जाके अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के टीचर से पूछिए कि गांधी और नेहरू के सिविलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पर क्या विचार था, तो जाके आप पूछ लेना। आई डू ए प्रोजेक्ट वर्क ऑन इंडियाज मार्च टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, और भारत जो है वो मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के तरफ अग्रसर है, इस पर एक प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो इस सबसे हम लोगों को परीक्षा को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सिलेबस बदला तो इसको CBSE के पैटर्न पर लागू किया, लेकिन बनाया गया लेकिन लागू नहीं हो पाया, इसलिए आप इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।